सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऋषभ व्लॉग्स। आपका स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। सो गाइस, जो आज का व्लॉग होने वाला है वो है फाइव थिंग्स दैट आई लव अबाउट माय बाइक। सो गाइस, व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है उसके लिए सॉरी, पर चलिए जल्दी से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। व्लॉग को स्टार्ट होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बाकी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो मुझे सबसे सही लगता है इस बाइक में, वो है GTD टेक्नोलॉजी। सो गाइस, वो मैं आपको अभी लाइव एग्जांपल करके बताऊंगा GTD टेक्नोलॉजी का। वैसे इसके ऊपर पहले भी वीडियो बन रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको इसके फायदे बताता हूँ, इसके क्या होते हैं, तो चलिए करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले सेफ्टी हमारी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको हेलमेट पहन के हमेशा चलना चाहिए। सो गाइस, मैं भले ही छोटी सी वीडियो शूट कर रहा हूँ बट मैंने हेलमेट पहना है। सो गाइस, आप भी अगर टू व्हीलर चलाते तो हेलमेट पहनिए, और अगर आप कहाँ चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ को चढ़ाई है दिखाने पीछे की तरफ, और जो ये बाइक है विदाउट एक्सीलेटर जाएगी सेकंड गियर में। मैं आपके सामने इसको ले जाऊँगा, एक्सीलेटर से मैं हाथ हटा दूँगा, तो वो GTD टेक्नोलॉजी का कुछ फ़ायदा। चलिए, तो गाइस आपने देखा कितनी अपील थी, बट ये फिर भी जो है वो बड़े आराम से चली विदाउट स्ट्रगल की थी। चलो मैं इसे सेकंड गियर के टाइम पर दिखाता हूँ। गाइस, ये था आपका सेकंड गियर, आपने देखा। ये चीज मुझे सिर्फ इसकी बहुत प्यारी लगती है। चलिए टॉपिक के बारे में अभी बात करते हैं नीचे। ये थी कुछ आपके GTD टेक्नोलॉजी, ये मुझे फर्स्ट पॉइंट लगता है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसका। इसमें अगर आप थोड़ी देर फ्री होकर चलना चाहते हैं तो आप बस क्लच छोड़ दीजिए, विदाउट एक्सीलेटर है चलते रहेगी चाहे अपील आए, बस आपको गियर डाउन करना है और अप करना है, बस यही आपका काम रहेगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो गाइस, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट लगता है मेरे को इसकी लुक्स। तो गाइस, आप लुक्स के कुछ सिनेमेटिक एंजॉय करिए, फिर मैं आपसे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट है पावर एंड परफॉर्मेंस। सो गाइस, जिसमें जो पावर एंड परफॉर्मेंस आती है वो बेस्ट इन सेगमेंट है, मतलब इस सेगमेंट के किसी बाइक से सबसे बेटर परफॉर्मेंस इसकी मिलती है। जो इसका लो एंड परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, चलिए उसको मैं अभी आपको करा के बताता हूँ। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर एंड परफॉर्मेंस की बात हुई थी लो एंड में, तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो रोड है ये हिमाचल के हैं, आप देख सकते हैं रोड, अगर आपको दिख रहा हो, मुझे पता नहीं आपको कैसा एंगल आ रहा है, पर जैसा भी अच्छा ही आना चाहिए। अब आप देखेंगे लो एंड है, और आगे देखेंगे तो मैं जैसे एक्सीलेटर खींचूंगा, ये देख सकते हैं जैसे मैंने अपना इसको खींचा तो इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी तरीके से, मतलब ये आवाज़ भी उतनी करती है जितनी इसकी परफॉर्मेंस है गाइस। और अगर आप व्यू देखना चाहेंगे गाइस यहाँ का, तो बहुत ही औसम, आप देख सकते हैं जिसे कहते हैं बहुत ही औसम, ये हमारे यहाँ पर खेत हैं, आप ये देख सकते हैं बहुत ही औसम व्यू रहेगा गाइस यहाँ का, आप देख सकते हैं। और ये अपनी बाइक, तो चलिए फर्स्ट गियर के आपको दिखाऊं, तो मैं आप देखिएगा कितना अच्छा पिकअप है इसका। सो गाइस, ये रही यहाँ पे गाय, सो गाइस आप देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस कितनी तगड़ी है, मतलब कितनी तगड़ी है, स्पीड पकड़ लेती है, आप देख सकते हैं, देख सकते हो। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वह इसकी ब्रेकिंग, वो भी एक नंबर है गाइस, मतलब अगर वीडियो थोड़ी शेकी आ रही हो तो माफ़ करिएगा। सो गाइस, ये था कुछ हमारा पावर एंड परफॉर्मेंस का पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं राइड एंड हैंडलिंग का, जो पॉइंट था उसके आपको मैं अब शॉर्ट्स दिखाता हूँ। गाइस, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आप सोच रहे होंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है। सो गाइस, अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका राइड क्वालिटी, हैंडलिंग एंड सस्पेंशन। सो गाइस, जो इसकी राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और सस्पेंशन है वो सेगमेंट में सबसे बेटर है। इसकी आप राइड क्वालिटी देखेंगे तो बहुत ही स्मूथ है। जो इसका रियर सस्पेंशन है वो काफ़ी सॉफ्ट साइड पर दिया गया है, जो कि आपका एक ट्रैक सस्पेंशन है लिमोरा का, वो हाई स्पीड्स पे स्टिप भी हो जाता है और लो स्पीड्स पे मतलब वो सॉफ्ट भी हो जाता है। सो गाइस, वो चीज़ मुझे इसकी काफ़ी पसंद आई, और हैंडलिंग एक नंबर है मतलब बाइक की। तो ये था कुछ हमारा फोर्थ पॉइंट, चलिए फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। सो गाइस, चलिए अब राइड एंड हैंडलिंग की बात करते हैं।
जल्दी से। अब ये आप रोड देख सकते हैं कितना कच्चा है, तो इस रोड में अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका कंफर्ट कैसा रहेगा। चलिए चलते हैं। आप मतलब हेलमेट के शेक होने से आप लगा सकते हैं भाई इसका कंफर्ट कैसा रहेगा। ये बिल्कुल हिमाचल का एकदम ऑफ रोड वाला ही रोड बोल सकते हैं आप। देख सकते हो आप रोड, आप देखोगे अभी ये तो आपका लेन है, बट यहाँ पर देखिएगा सुगर जो इसकी राइड एंड एंडिंग है बहुत ही असम है। यहाँ पर देख सकते हैं गड्ढा है बहुत डीप। तो गाइस सब आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसकी हैंडलिंग और राइड क्वालिटी की नहीं सही है। आप देख सकते हैं कितने पत्थर हैं यहाँ पे, बट इसमें उतना फील बिल्कुल भी नहीं होता कि आप किसी खराब रोड पे चढ़ रहे हो। मतलब इसमें नॉर्मल बम्प्स जैसे ये बम्प्स हैं, ये मतलब उतने फील भी नहीं होते बाइक में क्या आपको बम्प्स लग रहे हैं। आप देख सकते हैं आगे कितना बड़ा गड्ढा है, यहाँ से अगर मैं इसे निकालूँ तो आपको बम्प्स बिल्कुल भी फील नहीं होंगे। आप देख सकते हैं, देख सकते हो बढ़िया चल रही है एकदम। तो चलिए गाइस ये था कुछ ये पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सो गाइस अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो आप सबके लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि इस बाइक में भी आपको वो चीज़ मिल सकती है। सो गाइस अगर हम उस चीज़ की बात करें तो वो रहेगी आपकी माइलेज। सो गाइस 160cc की बाइक है ये, और RTR में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट आती थी कि गाइस इस बाइक की माइलेज नहीं है भाई, इस बाइक की माइलेज बहुत कम है, ये तो 28, 30, 35 की देती है। पर गाइस ऐसा कुछ नहीं है, जब BS6 में आई तो इसमें FI फ्यूल इंजेक्शन आ गया है जिससे इसकी माइलेज काफ़ी हद तक इंप्रूव हुई, और इसकी माइलेज जो है 40 की बहुत आराम से मिल जाती है। मैं बेसिकली हिमाचल का रहने वाला हूँ तो हिमाचल के रोड्स पे अगर ये बाइक 40 की माइलेज दे दे तो काफ़ी अच्छी बात है, और हाईवे पे ये आपको 45-50 भी बहुत अच्छे से दे सकती है। सो गाइस ये था कुछ इसका फिफ्थ पॉइंट। सो गाइस ये थे कुछ बाइक के 5 पॉइंट जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, सबसे प्यारे इस बाइक के बारे में लगते हैं। तो ये थी कुछ हमारी आज की वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जो मुझे इस बाइक में पॉइंट अच्छे नहीं लगे। तो चलिए एंड करते हैं आज ब्लॉग। ब्लॉग एंड होने से पहले कमेंट में अपनी राय छोड़ के जाइएगा, बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन जल्दी जल्दी हिट करिए गाइस। 1K पहुँचने वाले हैं, जल्दी से हो जाएंगे तो बहुत ही खुशी मिलेगी। ओके बाय।